السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكُنْ ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون جيت الحمد لله رب العالمين آج هم إن شاء الله سورة الغافر التكميل کرتے ہیں اور ترى تعالیٰ سے دعا گو इस पूरे सिलसिले को समझने में इस पर अमल करने में जी तो आइए उबैदुल्ला और बिनते मुनिर जी अफलम यसीरु फिल अर्द आ हम आ क्या है इस्तिफाम आ इस्तिफाम है ठीक है ओके गुड फा जो है वो इस्तेनाफिया है इस्तेनाफिया सब नया जुमला है

क्या मतलब हुआ है यसीरु अफलम यसीरु क्या तर्जमा करेंगी से चलना फिरना या क्या वो नहीं क्या वो चले फिरे नहीं या क्या उन्होंने ठीक है क्या वो चले फिरे नहीं फिल आर्दी जमीन में अफलम यसीरु फिल फिलदी क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं फयन जोरू फयरू ओके तो बिंत मु बताइए क्या है फयन जोरू

यानी मेरी राय में ये फा फातफ बन जाता है अफलम क्या वो चले तो वही बात हो रही है ना और क्या उन्होंने देखा नहीं, तो लेकिन क्या क्या... देखा नहीं कि क्या... लेकिन ग्रामर के एक शेख हैं वो कहते हैं, नहीं ये फा सबबिया है कि वो चलने फिरने को सबब बना रहे है चलना फिरना सबब है इसलिए कहा जा रहा है कि अफलम यर्द क्या वो चले फिर नहीं तो ये चलना फिरना एक सबब बन गया अब उसके तहत क्या फयन्ज़ुरो हम्म ये अन की वजह से मज्ज़ूऊब हो गया ना हम करते हैं अन तो की वजह से तो फिर मंसूब हुआ जब फास सबबिया होता है तो फिर उसके बाद अन मसदरिया मज्ज़ूऊब होता है फयन्ज़ुरो तो यन्ज़ुरो का फाइल क्या होगा यन्ज़ुरो का हम फाइल है और फिर ये मंसूब होगा ना फिर तो जी तो क्या ترجمہ کریں گی کیا پورے کا हाँ जी फिर फयंदुरु उन्होंने देखा नहीं अफलम तो क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते हाँ जी के वो आ, देखते के, के वो के देखते वो अब आप देखें क्या है कि वो सबब बन गया ना चलना फिरना उनका हाँ तो हाँ जी इसी हाँ नतीजे में वो वो देखते जी हाँ जी okay. हाँ। वो देखते कई फाना आ के बतुल्लना मिन कबल हिम उनमें खिजर आई है जी सर कैफा काना आकिबतुल्लजीना मिन क़ब्लिहिम काना का इस्म क्या है आकिबतुल्लजीना मिन क़ब्लिहिम ठीक है और कैफा का क्या मकाम है यहाँ पर ये हाल बनेगा काना का आ, यानी आ... यानी कि वो अगर आ, आ, नहीं नहीं ये इसम है तो ये नहीं नहीं ये खबर ये, ये काना का ना खबर है ठीक है ठीक है खबर है मुक़द्दम इसलिए है कि ये सदारत डिमांड करते हैं ना कई फकाना आके बचुल्लिन तो जुमला इसमिया हो तो उसमें हाल बन जाता है हम्म जी ठीक है और जी। ये काना के लिए पर खबर बन जाता है कई फकाना आकी बचुल्ल अमिन कबरी हिंद क्या तर्जुमा करेंगी तो कैसे कैसा हुआ अंजाम उनका जो उनसे पहले थे हाँ जी अब जरा आफल हम से पूरा तर्जुमा करते हैं तो क्या नहीं वो घूमे फिरे जमीन में तो वो देखते के कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का जो से पहले थी ठीक है गुड माशा उम्मीद सिदरा उमी सिदरा ये बताइए ये मनसूब है ये तमीज है तमीज तमीज किसकी है अशद्दा इसमें तफजील के ठीक है गुड बिनते अदनान मुझे ये बताइए अशद्दा मंसूब क्यों है जी उस्ताद ये खबर बन रही है ठीक है कानू का नाम क्या है बिनते अदनान ये है हम ठीक है और अक्सरा कौन सा इसमें इसमें तफजील क्या तर्जमा हुआ उम सिदरा कानु अक्सर अमिन हूँ व अशद कुवतन व आसारन फिल अर्दी वो वो उनमें से अक्सर ज्यादा थे कुवत में नहीं नहीं उनमें से, से अक्सर नहीं में... अच्छा वो सॉरी वो, वो ज्यादा थे उनसे कुवत में और जी कानू और अक्सर अमिन हूँ जी और आसार में जमीन में देखे कानू वो सब ज्यादा थे अक्सरा

शदीद थे में और आसार में, जमीन में। जी, निश, छोड़ने के हवाले से तादाद के हवाले से ताकत के हवाले से हर लिहाज से, से, से मुरादिये के कुरेश से, जो दिन दिन के सामने से. कुरान नाजिल हो रहा था जो ये इनकार कर रहे हैं उन्हें कहा जा रहा था कि इन सबसे वो तादाद में भी ज्यादा थे कुत में भी ज्यादा थे तो मा अगना तो बिंद अब्दुल अब्बास आई है। जी सच्ची। माँ कौन सा है? माँ नाफिया है। अगना कौन से बाप से है? बाबी फाल से। अगना का फाइल क्या है? हुआ? नहीं ये है माँ ठीक है। ये माँ इसमें मौसूल है। जी। ठीक है इसमें मौसूल है ये ही उसका फाइल है ओके okay, इसका सिला क्या है कानू ठीक है कानू का यूना जुमले में क्या है खबर कानू कौन से बाप से है ठीक है तो क्या तर्जमा होगा माँ कानू य उनका काम ना आया जो वो नहीं, कमाते नहीं, थे एक मिनट आयशा माँ कानू बोना का तर्जुमा क्या है जो वो कमाते थे। जो वो वो कमाते कमाते थे ठीक है अब माँ कानू बोना को आप इसका फाइल बनाकर नफी के साथ तर्जमा करें उनका काम ना आया जो वो कमाते थे जी, उन्हें काम ना आया जो वो कमाते थे जी तो अल्लाह सुबहाना व ने देखें इस आयत में बेसिकली कुरेश से कलाम है ये कुरेश को ये बात बताई जा रही है लेकिन ये कुरेश नहीं सिर्फ हम सबको अभी इंडिया में रहने वाले हैं माशाल्लाह इंडिया एक रिच कंट्री है हिस्ट्री के हवाले से बड़ी बड़ी इमारतें वो ताजमहल बनाने वाला कहाँ गया कब्र पहुंच गया तो आज लोग ताजमहल देखने तो जाते हैं लेकिन उससे इबरत हासिल करने वाले कितने हैं पाकिस्तान में ठीक है उतनी तादाद में नहीं है तारीखी इमारात जितनी तादाद में इंडिया में है क्योंकि इंडिया सेंट्रल स्टेट था उस वक्त बड़े सभी में तो सेंट्रल था इसलिए वहां पर इमारत का होना वहां पे का एक कंट्रोल था तो वो एक लाजमी अमर है तो जो जो जिस मुल्क में रहता है जिस शहर में रहता है अगर तो वो तारीखी हवालों से उसकी कोई अहमियत हो तो जरूर वहां पर चीजें मौजूद होती हैं हम देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं हम सीख सकते हैं तो हमेशा हम जहाँ भी के आम अपने मोहल्लों में उ, उन इमारतों उन घरों को देख सकते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर खास तौर पर उमरा अमीर लोग ना मोहल्लों में अमीर लोग भी होते हैं ना देखे चले गए बड़े बड़े घर बना दिए खुद मर गए क्या काम आया उनके सियासत है हमारे इर्गर्द सियासत दान उनके घरों से हम उनके सिस्टम से अंदाजा लगा सकते हैं कुछ भी नहीं बचा तो आ, जब भी हम जमीन में चले फिरे यह लाजमी नहीं कि हमें ये देखने के लिए दुनिया के किसी मुल्क में जाना होगा ये तमाम हमारे इर्द गिर्द ये चीजें मौजूद होती हैं बस यह है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि अल्लाह के साथ ही जुड़कर मामले को संभाला जा सकता है

लाए उनके पास उनके रसूल खुली तो खुश हुए वो जो उनके पास था इल्म में से।, से ठीक है वहां कभी ही माकान भी आइए फोजिया बिंत शीक हाँ का कौन सा फेल है माजी या मुजारे माजी है माजी है और इसका फाइल क्या है जो आगे माँ आ रहा है ना सर माँ कानों में ठीक है ये माँ कौन सा है ये माँ इसमें मौसू है ठीक है माँ नफी भी फाइल बन सकता है या नहीं, नहीं।, नहीं सर हाँ जी नहीं बन सकता फाइल बनने के लिए ना इस होना जरूरी है ठीक है जी हर्फ कभी भी फाइल नहीं बन सकता ओके जी अलबत् वो, वो उसके मीनिंग में आ जाते हैं ना मजदर मुआवल के वो फाइल की हैसियत इख्तियार कर सकते हैं जैसे कि अन्ना है या अन मजदरिया है उस सूरत में फिर वो पूरा जुमला फाइल बन सकता है लेकिन मान अफी चूंकि तो किसी भी सूरत में मजदर मोवल का काम नहीं करता तो हा कभी ही माँ कानू भी यस्त हजी ऊन है कानु भी ही यस्त हजी ये बताइए कानू की खबर क्या है सर जुमला फेलिया यस्त हजी तो कौन से बाप से है बाब इस्तेफाल कानू का इसम क्या है हम जो जमीर है सर इसके अंदर में हा, हा जमीर है कहा जा रही है माँ मसोला की तरफ हाँ मौसो की तरफ जी ठीक है हा का बिहिम और हा का फायल क्या तर्जमा हो गया हा का बिहिम माँ कानू बिहता हजी ऊना और घेर लिए घेर लिया जाएगा नहीं नहीं नहीं, नहीं। वाजी है घेर लेगा जी घेर लेगा उनको नहीं 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 नहीं। तो तर्जुमा करें हाँ कभी माँ खानो भी ही होना। उनको उ, उनको उसने घेर लिया जिसका वो मज, मजाक उड़ाते थे हाँ जी देखे फौजिया हा का माजी है ना जी सर तो उसका आप ख्याल रखेंगी ना इसका मतलब क्या हो घेर लिया ठीक है घेर लिया किस चीज ने घेर लिया इस पूरे अच्छा जुमले ने घेर लिया माँ कानू भी ही होना हम इसम है वो थे यस्ताहज़ी तहजी मजाक उड़ाया करते बिही में हाजमीर माँ की तरफ उस चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे वो क्या था अजाब अजाब की धमकियां मजाक उड़ाते थे कहाँ अजाब जरा लेकर आए कहाँ आप जो कहते हैं अंबिया को जो कहा करते थे पीछे बात बातों ने जहा बिल बनाती फरी वहां का भी हिम माखान और घेर लिया उनको उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे यानी वो अजाब उनके पास ऊपर जब आ गया उसको तो घेर लिया उसी अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे तो आज भी जो लोग ये बात अल्लाह ताला के इन बात जो इनको बताया जाए ना कि जल्जले क्यों आते हैं तो मजाक उड़ाते हैं बात का तो ये तो दो पता लगना है जब हो जाना है ओके जी आगे चलते हैं अमीना सिद्दीकी से देखिए आइये बिल्लाफर जवाब-ए-शद से शुरू हो रहा है सर कालू आमन्ना बिल्लाही से गुड सो so, बासना कौन सा मुरक्कब है बासना मुरक्कब है ताफी ये राऊ के लिए क्या बन रहा है सर राऊ के लिए एम सर ये मफूल बन रहा है राऊ का फाइल क्या है हुआ होम है जमा है ठीक है और औ है ना ये वाव नजर आ रहा है ना आपको ये वाव जमा का है ना सर ये फिल्म माजी नहीं मुजारे है माजी है ना जी माजी तो आप हुआ कह रही है ना तो हुआ कैसे बन रहा है जी जी होम 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 है ना रऊ र आ र आ र औ ओके फलम मार औ बासना क्या तर्जमा हुआ आ, फिर जब उन्होंने देखा हमारा अजाब

फाइल क्या है, है। और कफरा बाहर फिजर से, जैसे ईमान होता है ना आमना बिल्ला उसी तरह कफर बाहर फिजर इनकार कर देना कुफर कर देना जिसका इनकार कुफर होता है वो बाहर फिजर से आता है सो बीमा कुन्ना भी ही यहाँ पर फिर इसमें मौसू है इसका आगे सिला है कुन्ना भी ही मशरकिन कुन्ना का इसम क्या है कुन्ना का, का जो है नहनु ही है मशरकिन क्या है जुमले में ये कुन्ना का जो है खबर बन रही है कौन सा इसमें इसम या इसमाल इसमफूल सर इसमुल फाइल है बाबी फाइल में हाज अमीर कहाँ जा रही है सर मुशरिक सर जो आयत थे जो बिल आ... याद रखें याद रखें माँ सॉरी सारा सारा सर माँ माँ के तरफ जा रही है जब माँ इसमें मौसूल मौजूद हो उसके बाद आगे जो हा की जमीन होती है हो, उसी की तरफ वापस आ रही होती है तो क्या चर्चा <laughs> होगा कफर ना बीमा खुन ना बीही और हमने इनकार किया बीमा उसका जिसका जिसने जिसक हमने कर लिया जिस थे थे हम जिसका थे हम शरीक करते जिसको थे हम शरीक करते हाँ जी यानी जब उन्होंने अल्लाह का अजाब देखा वो क्या कह रहे हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए उसके तनहा होते हुए कि यानी वही एक तनहा रब है वकफरना और हम हम हमने इनकार किया बिमा ना उस चीज का जिसको हम शरीक बनाया करते थे हम उसका इनकार कर रहे हैं यानी हम उस शिर से तोबा कर रहे हैं तो जब वो अजाब को देखते तो ऐसे कहते तो अल्लाह ने क्या फरमाया फलम यकुन फम ई मानो तो लम मारा लम नफी के लिए आ गया इसने यकून को मजजूम कर दिया यकु हो गया फलम तो यकु फम तो तो इसका फ़ाइल हो गया ये कोन फम ईमान उनका ईमान लाना उन्हें कोई नफा ना दिया उसने कोई नफा ना दिया लमारा उबासना जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो

नहीं नफ, नफ, नहीं आ, फायदा दिया उनके ईमान ने उनको जब देखा उन्होंने हमारा अजाब ठीक है यकू का इसम क्या है यकू का इसम पर नहीं 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 ये तो खबर जी 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 इसमें है सर इसमें हुआ होगा हुआ, हुआ।, हुआ वो हुआ क्या है आ, नहीं सर मुझे नहीं है शाह तो मुस्तकबिल में ऐसे लेक्चर में प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमे इन चीजों की तफसीली मैं आपसे आपको बताऊँगा कि जमीन शान क्यों होती है कब कब लाई जाती है इसकी क्या क्या इस्तेमाल हैं तो ये एक अलग टॉपिक है हम इतनी बात कर लेते हैं कहीं नहीं जा रही लेकिन आखिर बिला वजह तो नहीं आती है ना पुराने मजीद में इसका कोई मकसद है कि आखिर जमीन शान क्यों है कितनी वजूहत हैं इसकी जी। अच्छा लम यकून फाओह अब यहाँ पे देखें ये पहले ये असल में क्या है यकूनू है ऐसे ही है ना जी यकुनु। यकुनु को मज़ूम करें तो क्या बनता है यकुन। यकुन। जी ठीक है लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ यकुन नहीं रहा बल्कि क्या बन गया यकु नून भी ड्रॉप ड्रॉपा ग्रामर ये कहते हैं कि कुरान मजीद में इस तरह का कोई भी अमल बिला वजह नहीं अच्छा एक बात और के अगर यकुन के बाद कोई इसम मौरबिल्लाम होगा क्या होगा मोरबिल मोरबिल्लाम होगा उस सूरत में ये नून नहीं ड्रॉप होता तो किसी okay. भी सूरत में लेकिन अगर इसके बाद कोई ऐसा 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 हर्फ हो ऐसा इसम हो जिसको इससे मिलाना ना पड़े उस सूरत में ये नून ड्रॉप किया जाता है या किया जा सकता है लेकिन किया जाना जरूरी नहीं है लेकिन मजीद में जहां भी ये नून ड्रॉप हुआ है वहां कोई ना कोई वजह है तो ग्रामर ने इसकी एक वजह यह निकाली है कि ये बेसिकली इसके दो बड़े सबब होते हैं दो सबब हैं जो सबसे बड़ा सबब कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है वो है हकारत का किस चीज का हकारत का या किसी चीज को मामूली समझना तो अब यहाँ मुझे जरा मिस तर्जुमा करके निकाल कर बताए कि इसको आप मामूली कैसे कर सकती कैसे तर्जुमा निकाल बासना तो, तो उनको नफा नहीं उनको किसी भी किस्म का नफा नहीं दिया उनके ईमान ने हाँ जी बिल्कुल अब यहाँ उस ईमान को हकीर बना दिया गया है ये ये हकीर है इसकी कोई अहमियत नहीं है फलम या कुयनफउहुम ईमानहुम इसीलिए कई तराजू में आता किसी किस्म का कोई नफा नहीं दिया उनके ईमान ने लमा रऊ बसना जब उन्होंने हमारा आजाब देखा कुरान मजीद में, में आता ना अलम यकु नुतफतन क्या है अलम यकु नुतफतन तो इट सेल्फ एक ऐसी चीज है लेकिन अलम यकू करके ये बता दिया गया फिर वो तर्जुमा कर दिया जाता है क्या वो एक हकीर सा ना था यानी किसी चीज को इंतहाई हकारत में ले जाना या उसको बिल्कुल हल्का ही कर देना अक्सर जगहों पर कुरान मजीद में, में अक्सर जगहों में एक दो जगह जहाँ डिफरेंट मीनिंग में आया लेकिन अक्सर में ये फलम यकू जब भी यकू जब भी आया है ये बेसिकली हकारत के लिए आया है किसी चीज की तहकीर के, के लिए आया है उसकी उसको बिल्कुल यानी कम उसकी कम हैसियत के लिए आया है उसकी हैसियत को कम करने के लिए लेकिन जहां ये रसूलों के लिए आया वहां इस मीनिंग में नहीं है वहां है कि, क, के, के रसूलों में से जो, जो भी रसूल यानी एक भी रसूल उनके पास आया कि रसूलों में से कोई भी रसूल उनके पास आया वहां हकारत नहीं है वहां क्या है तादाद की कम से कम लिमिट को बात की गई है ने so, मजीद के अंदर कोई भी लफ्ज कोई भी बात भिला वजह नहीं है कुरान जो चैलेंज किया ना अल्लाह ने इन लोगों को कि जरा निक्रिएट करके दिखाओ बेसिकली वो यही बातें हैं सारी कि इस तरह की आयात को इंसान क्रिएट नहीं कर सकता अब आपको ये जहन में आना चाहिए कि क्या अरब को जो वक्त के खास तौर पर कुरेश थे उनको ये बातें मालूम थी कि यूनून क्यों ड्रॉप हो रहा है क्योंकि वो बड़े बड़े शायर थे अच्छा आपके जेल जी, में आ सकता है कि, कि उस वक्त जो लोग मौजूद थे बड़े बड़े अरबी दान जो उस वक्त उस वक्त के मौजूद थे तो आज तो लोग ये क्या के साइड पे हो जाते हैं। बस ये ड्रॉप होता है लेकिन उस वक्त के जो लोग थे जो उस वक्त अरबी के माहिर थे उनको ये वजह भी पता होती थी कि आखिर यहाँ क्यों नून भी ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि वो अपनी शायरी में ऐसे काम करते थे याद रहे कुरान मजीद का जो नजूल है इसका जो अंदाज है इसकी जो बलागत का अंदाज है वो ऐसा नहीं है कि अरब को पता नहीं था या उस वक्त के यानी कुरान ऐसे अल्फाज लेकर आया जो मौजूद नहीं थे ऐसा नहीं है या कुरान मजीद में ऐसा अंदाज इख्तियार किया गया जो इससे पहले मौजूद नहीं था जब इससे पहले मौजूद ना हो तो समझ कैसे आएगा बिल्कुल तो तो समझ ही नहीं आएगा ना फिर तो वो इतराज कर सकते हैं ये तो गलत है हमारे कवानीन के हिसाब से क्या ख्याल है मिस बिल्कुल सर गलती निकाल सकते हैं ना कि ये तो गलत है ये तो जुमला ऐसे बनता ही नहीं है तो कुरान की जबान ने जो उनको चैलेंज किया था वो उसी दो उसी ब्रैकेट में था जिस ब्रैकेट में उनके उस वक्त उस वक्त लैंग्वेज मौजूद थी इसलिए देख लें किसी कुरेशी को जरूरत हुई गलती निकालने की जी सर ये जी कुरान मजीद में, में नाज बिल्ला ये ग्रामर की गलती है नहीं निकाल सके वो जी सर इसीलिए तो वो फिर इल्जाम लगाते थे ना कि रसुल्ला को ये तो किसी माहिर झिन ने सिखाया है फिर इनको ये तो किसी क्योंकि उनको पता था कि रसोल ना तो शायर हैं ना तो वो काहिन हैं ना वो शोरा की महफलों में बैठते हैं ना वो कुहान की यानी आप अंदाजा करें रसोल्लासलम को अल्लाह ताला ने कैसे इन चीजों से बचाया कि अगर वो शोरा की महफिलों में बैठते होते तो ये इल्जाम जायज हो जाता ना कि भाई ये तो शोरा की महफिल में बैठते थे तो इसलिए इन्होंने कलाम बना लिया बिल्कुल तो शायरी बनानी आती है या उन्होंने रसुल्ला मुबारक से कभी शेर व शायरी सुनी होती तो वो ये कह सकते थे भाई ये तो पहले भी शेर कहते थे लेकिन उनको पता था कि रसोल तो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं ना ये शायरों की महफिलों में बैठते हैं ना ये काहनों की महफलों में बैठते हैं कि ये ऐसी बातें कर सकें तो अल्लाह कैसे परम इंतजाम किया हम सीख रहे हैं याद रहे अरबी जबान बहुत समंदर है लैंग्वेज का तो रोज रोज नई बातें सीखने को मिलती हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि बस मैंने पूरी जुबान सीख भाई बहुत गहरी जुबान है ये पता नहीं कितना हमने हो सकता है दस से पंद्रह परसेंट टच किया है सिर्फ इसका शायराना लेवल पे तो हम गए ही नहीं कभी ना हम जा सक शक... मेरा ख्याल हम मैं तो नहीं जा सकता आप शायद अल्लाह ताला से दुआ करें कि आप जा सकते हैं आप पहुँचें सुन्नत अल्लाती कद खलत फ़ी इबादी जी मिस उजमा सुन्नत अल्लाह कद खलत फ़ी इबादी को एक्सप्लेन करें जी सर सुनत ही मरकब इजाफी है मंसूब है दरअसल मफूल मतलब है यहाँ एक माहूफ फेल का ठीक है इसमें मौसूल सिर्फ बन रही है सुन्नत की ठीक है और आगे जो मैं फेलिया कद खलत फी इबादी ही ये मौसूल है ठीक है खलत फेले माजी है कद आया है ताक़ीद के लिए और फी इबादी मुत है और तर्जमा होगा अल्लाह की सुन्नत जो गुजर चुकी है उसके बंदों पर या जो गुजरी हाँ, गुजर चुकी है उसके बंदों पर अल्लाह का तरीका है जो उसके बंदों के बारे में पहले से गुजर चुका है यानी अल्लाह का तरीका है अल्लाह का अंदाज है वो लोगों पर क्या है उनके आमाल के सब उन पर अजाब उतारता है और ये ये तरीका चलता आ रहा है और चलता रहेगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी आगे लास्ट है

इस दौरान मेरे बताने या आपके एक्सप्लेनेशन में या मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई गलती हो तो हमें उससे माफ़ फरमाए दरगुजर फरमाए ज़ुबहानबी على का शदूल गा बोली वसल नबी महमद अमीन सर वर्कात